तो दोस्तों मैं हूं अभी मौत कुआं के अंदर, जो अभी बन रहा है, तैयार नहीं हुआ है। मैं मौत कुआं का ड्राइवर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को एक चीज बताने आया हूं कि आप लोगों में से बहुत का क्वेश्चन रहता है कि मौत के कुएं में गाड़ी जो होती है वो किस पे चलती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नट पे चलता है, तो ये जो नट पे चलने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये जो नट है ना, ये इसमें चलने का कोई यही नहीं है। ये जो ट्रैक है जो तख्ते का बना हुआ है, और पीछे लोहे से ये लोग ये ट्रैक जुड़े होते हैं, तो तख्ते को कसने के लिए छोटे छोटे नट दिए जाते हैं। कहीं कहीं बड़े बड़े भी नट होते हैं, ठीक है, जैसे ये सारा नट आप देख सकते हैं। तो तख्ते को कसने के लिए ये नट, ये सारे नट दिए गए हैं, चाहे वो हो। तो लोग सोचते हैं कि इस पे चलता है। भैया देखिए यहाँ पर, इस पे क्या कोई भला कोई गाड़ी टिक सकता है क्या? आप देखिए, देखिए दोस्तों, जो मौत का कुआं का जो गाड़ी है वो किसी नट या कोई विशेष चीज़ पर नहीं चलता है, वो इसी फ्लैट ट्रैक पर चलता है, और एक लय बन जाता है जिसको वो ड्राइवर लोग कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का पूरा सिस्टम होता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि तख्ता किस तरह के एंगल पर टिका होता है। यहाँ पर देखिए, इसके पीछे हम चलेंगे तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा कि देखिए तख्ते में ये जो है कसा होता है। तो देखिए सारे नट कसे हुए हैं, और ये इसी तरह ऊपर तक कसे होते हैं। तो इसलिए